रामनवमी के पावन पर्व पर बेटमा नगर में सेन समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 25 नव युगलों ने सात फेरे लेकर अपने नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। कोरोना काल के बाद हुए इस आयोजन में 5000 से ज्यादा समाजजन उपस्थित रहे। सेन समाज सामूहिक विवाह समिति बेटमा का यह 13वें वर्ष में सफलतम आयोजन किया गया। नगर में रामनवमी के पावन अवसर पर किए गए इस आयोजन में समाज के युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 25 जोड़े शामिल हुए, जो रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास सहित आसपास के क्षेत्रों से आए थे। प्रत्येक जोड़े को समिति की तरफ से 5 रकम बर्तन, पलंग, सोफा सेट एवं दहेज की अन्य सामग्री भेंट की गई। गौरतलब है कि कोरोना काल के 3 साल बाद हुए इस आयोजन में समाजजन की अच्छी भीड़ देखने को मिली। आयोजन समिति ने बताया कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य शादी में होने वाले अनावश्यक खर्च को बचाने के लिए किया जाता है। वहीं इस तरह के आयोजन से सामाजिक संबंधों में मधुरता भी बढ़ती है। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। अच्छी व्यवस्था है यहाँ की और हर वर्ष यहाँ पे सम्मेलन होता ही है और पिछले 13 वर्षों से यहाँ पे सम्मेलन होता आया। व्यवस्था खाने पीने की ये वो सब अच्छा है, कन्यादान वगैरह सब अच्छा होता है। गुजराती सेन समाज हर साल इसी रामनवमी के दिन ये सम्मेलन सम्पन्न करवाते हैं और सभी जोड़ों को प्रॉपर रकम वकम आशीर्वाद के रूप में रहते हैं। महू से आए हम दोनों, महू के गोकुल सेन। बेटमा में 25 जोड़ों का आयोजन रखा गया था हर वर्ष, आज 13 वर्ष हो चुके हैं इस सम्मेलन को करते करते सेन समाज के लोगों को नायक मंडल की तरफ से, और ये फिजूल खर्च बचाने के लिए ये आयोजन हम बेटमा में सेन समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है और बहुत बढ़िया। 25 जोड़ों का दहेज का सामान भी हम ही लोग देते हैं, सेन समाज के लोग, और भोजन वगैरह सब समाज की तरफ से ही होता है, सेन समाज के लोगों की तरफ से, नवयुग मंडल की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।